हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देख पा रहे हो कि आज हमारे पास जो कंट्रोलर है वो आ चुका है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। इसके रेट भी मैं आगे आपको बताऊंगा और कितने एम्पियर का है, कैसे ये काम करता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो पर बता दूंगा। देखो सबसे पहले करते हैं इसे यहाँ से अनबॉक्स, क्योंकि अनबॉक्सिंग काफी ईजी है। बस रेपर इस पर लगा हुआ जो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने चार्जर जो कंट्रोलर है इसे मैंने यहाँ पर खोल लिया है। अब इसे बाहर निकालते हैं और ये देखो यह है इसका चार्जर कंट्रोलर, और कुछ इसका व्यू कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे सोलर पैनल यहाँ पर दिख रहा है, यह है चार्जर कंट्रोलर, यहाँ पर बैटरी का साइन देखने को मिल जाता है, और यह हमारा आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और यहाँ पर आपको कुछ पहले से फंक्शन देखने को मिल जाते हैं जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वैसे मैं आपको आगे वीडियो में भी अभी बता दूंगा। यहाँ पर आपको सभी मॉडल्स इस पर देखने को मिल जाएंगे, मैं भी यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ साथ में। देखो यहाँ पर अगर मॉडल नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो रेट है वो आप लोग यहाँ पर देखो 1099 रुपए। लेकिन अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 500 रुपए में। और आप इसे परचेस करना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको सोलर वाली वीडियो को बना करके दिखाया था, सोलर की अनबॉक्सिंग पर, उसकी वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर और नीचे शो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो चलो आप सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। तो देख लो गाइस यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा है सोलर चार्जर कंट्रोलर, और यह है इसका यूजर मैनुअल, जिसे आपको फेंकना नहीं है, आपको इसे आसानी से पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आता कोई टेंशन नहीं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको पता पहले से होने चाहिए। देखो ये खासकर मैंने ये चार्जर कैसे दिया वो मैं आपको बताता हूँ, इस पर हमें क्या क्या फंक्शन देने को मिलते हैं वो भी मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा सोलर पैनल कितना लोड ले सकता है या कितना इस पर हम लोग लोड दे सकते हैं। देखो इस वाले चार्जर कंट्रोलर पर सबसे पहले तो सोलर पैनल जो हमारा रहेगा वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का ही लास्ट लग सकता है। इससे ज्यादा अगर लगाते हो यानी सीरीज कनेक्शन पर लगा दोगे तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं, ये खराब हो जाएगा। सेकंड है कि हमारा ये जो चार्जर कंट्रोलर है ये हमारा 10 एम्पियर का ही है, 10 एम्पियर से ज्यादा की अगर सोलर पैनल आप लगा देते हो तो ये खराब हो जाएगा। जो हमारा वो सोलर पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है पता है आपको 22 वोल्ट 24 वोल्ट कुछ भी आ जाता है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 वोल्ट का ये लोड अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है, पीवी इनपुट पावर यानी कि जो आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो वो कितने से कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज तक का होना चाहिए। तो देखो अगर आप 130 वोल्ट और 12 वोल्ट का सोलर पैनल यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। सेकंड, आपको अगर 24 वोल्ट का अगर सोलर पैनल यूज कर रहे हो तो वो मैक्सिमम 260 वोल्टेज का सोलर पैनल आपके पास होना चाहिए। बस इसका टोटल इतना ही लोड आता है, इसके हिसाब से ही आपको यूज करना है। अगर आप सोलर पैनल बढ़ाते हो यानी कि उसकी वोल्टेज या वोल्टेज को बढ़ाते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर चार्जर कंट्रोलर का वो हाई क्वांटिटी वाला ही लेना पड़ेगा, जो कि 20 एम्पियर 30 एम्पियर आपको अलग अलग वेरिएंट पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसे यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि अभी मेरे पास बैटरी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो पर जैसे बैटरी हमारे पास आ जाएगी तो मैं आपको इसका एक फुल सेटअप बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोलर को कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से बैटरी चार्ज होगी एसी और डीसी दोनों तरीके से। ठीक है, देखो इस वाले चार्जर कंट्रोल पर हम 3 बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। पहला तो लिथियम बैटरी, जो नॉर्मली लैपटॉप वाली बैटरी होती है। ठीक है, सेकंड हमारा लीड एसिड बैटरी, जो हमारे यूपीएस वाला बैटरी होता है। छोटी बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी वाली बैटरी तो नहीं बात करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि आप लोग समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, यानी जो बड़ी वाली सिंगल बैटरी आती है जो कि हाई क्वांटिटी वाली होती है, वो बैटरी आप इसे चार्ज कर सकते हो। बट हमको यहाँ पर करना होगा सेटिंग, और सेटिंग देखो सेटिंग के लिए सिंपली 3 मोड हमें दिए जाते हैं, एक तो यहाँ पर है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यहाँ पर हमें 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं जिससे हम स्मार्टफोन को इजीली से चार्ज कर सकते हैं। अब देखो आगे का क्या है कि यहाँ पर देखो सोलर पैनल का साइन बना हुआ है, यहाँ पर मैं सामने से अगर दिखाऊं ये देखो ये सोलर पैनल का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। बैटरी का साइन यहाँ बना हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर कर देना है, और यह हुआ लोड। अब आप लोग बोलोगे भाई यहाँ से तो 220 वोल्ट आउटपुट निकलेगा, नहीं 220 वोल्ट आउटपुट यहाँ से नहीं निकलेगा, इस जगह पर हमारा सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। अगर आपको 12 वोल्ट का डीसी मोटर चलाना है, 12 वोल्ट का एलईडी चलाना है, तब आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को इस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। अब सेटिंग को कैसे यूज करना है, सेटिंग को यूज करने के लिए आपको यूजर मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। आपके पास उतना टाइम नहीं है कोई टेंशन नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आपको इसे सिंपली कैसे कैसे यूज करना है, जो कि आपको सभी यहाँ पर दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, जिससे आपको ये पूरा जो है वो क्लियर कैप्चर होकर दिख जाए।
तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने यूजर मैनुअल का जो थोड़ा पिक्चर है वो मैंने कैप्चर कर लिया है। अब देखो सबसे पहले बात करें फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया सिस्टम कनेक्शन कैसे करना है, वही आपको सोलर पैनल बैटरी और आउटपुट आउटपुट का लोड जो है वो आपको कनेक्शन करना था। जैसे कि यहाँ पर देखो पिक्चर भी यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर सोलर पैनल है, यहाँ पर बैटरी है और इस जगह पर हमारा लोड है, बस इतना ही है। अब देखो डिस्प्ले का जो की है, यानी कि जो डिस्प्ले वाली जो कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमें पहले से बता दी गई है। जैसे कि जब आप इसे चालू करोगे हमारा चार्जर कंट्रोलर, तो इस जगह पर क्या होगा कि डिस्प्ले पर आपको एक यहाँ पर नंबर शो होगा, डिजिटल डिस्प्ले है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे कि ये वाले जो 8.8 जो लिखा हुआ है इस जगह पर हमारा वोल्टेज शो हो जाएगा। एज का मतलब है हावर, जहाँ पर हमारा कितना घंटा चलेगा वो भी हम सेट कर सकते हैं, 12 घंटा, 24 घंटा, या अपने हिसाब से जितना घंटा में यूज करना है, जितने घंटे यूज करने हैं वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सोलर पैनल चार्ज, यहाँ पर आपको एक साइन देखने को मिल जाएगा इस जगह पर, जब आप चालू करोगे उस टाइम पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बैटरी का भी साइन देखने को मिलेगा और लोड वाला भी साइन हमें देखने को मिलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जब भी हम इसे चार्ज कर रहे हैं या सोलर पैनल कनेक्ट है या नहीं है, तो इस जगह पर हमारे डिस्प्ले पर क्लियरली से दिखेगा, ठीक है। अब देखो मेनू हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्विच बटन डिफरेंस टू इंटर एग्जिटिंग इन लॉन्ग प्रेस, यानी कि जब भी आप जो ये पहला वाला बटन है इसे जब भी इस तरीके से प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर जो सेटिंग है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेस अप टू इंक्रीज वॉल्यूम वैल्यू, यानी कि ये जो प्लस वाला आप साइन देख रहे हो इस वाले से आप, यानी कि इससे आप वैल्यू को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। यानी कि सीधा समझो अगर आपको 12 वोल्ट अगर लेना है तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट इससे सेट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर 14 वोल्ट लेना है तो आप यहाँ से 14 वोल्ट भी सेट कर सकते हो। तो ये सभी, और इससे देखो अप एंड डाउन का भी इसमें काम आता है, यानी कि अगर इससे आप करते हो तो सेटिंग की जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, और इसे प्रेस करते हो माइनस वाले को तो नीचे की तरफ ये सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ जो पहला बटन दिया हुआ है इसे प्रेस करके रखोगे 5 सेकंड के लिए तो ये पूरी तरह से सेटिंग को कनेक्ट कर देगा। और आउटपुट जो लोड होगा वो भी यहीं से देना है, यानी कि यहाँ पर जो बटन है अगर एक बार प्रेस करते हो तो आउटपुट लोड वापस आना लगेगा, और जब इसे प्रेस करोगे तो ये फिर से हट जाएगा। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये दिखता किस तरीके से है वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेन डिस्प्ले, यानी जो डिस्प्ले है उस पर आपको सभी वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे, वोल्टेज का मिलेगा, सोलर पैनल, बैटरी और ये वाला, यानी लोड का भी आपको साइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रुको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, लाइन कट चुका है, ठीक है। अब देखो फ्लोटिंग वोल्टेज, यानी जब वोल्टेज जब चार्ज होगा, यानी बैटरी जब चार्ज होगा तो बैटरी की चार्जिंग जो लोड होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारा आता है डिस्चार्जिंग रिकनेक्ट, यानी कि जब आपका सोलर पैनल रात में बंद हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे 12.6 वोल्टेज है, आप जो बैटरी लगा रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज दिखेगा, और जैसे लोड दोगे लोड के लिए यहाँ पर जो आउटपुट वाला है वो आपको लोड यहाँ पर देना है, ठीक है। अब देखो चौथा डिस्चार्ज स्टॉप, यानी कि ये जो सोलर पैनल का जो कंट्रोलर है ये काफी वेस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम इसे सोलर पैनल से चार्ज करेंगे तो यहाँ पर 10.7 पर भी ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है लाइन को। आप इसे सेट भी कर सकते हो, वैसे आपको करना होगा तो आप लोग देख लेना। और हमारा पांचवा वर्क मोड, यानी कि आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हो क्योंकि आपको कितना घंटा यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर 24 आवर बता रहा है, यानी आप इसे लगातार 24 घंटे भी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी वाली बैटरी की जरूरत पड़ेगी। छोटी वाली बैटरी पर आप थोड़ा सेटअप कर लेना 3 घंटे 4 घंटे रात का बैकअप, जब सोलर पैनल काम ना करे। और यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ बैटरी, हाँ ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बैटरी क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर आप 3 तरह की बैटरी को चार्ज कर सकते हो, लिथियम बैटरी, लिथियम एसिड बैटरी और लिथियम फास्फोर बैटरी। तो ये तीनों को चार्ज करने के लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देखो B01 का साइन इस तरीके से आएगा, B01 आएगा यानी कि आप लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हो, फिर आपको B02 आएगा तो आप लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हो, B03 आएगा तब आप लिथियम आयन फास्फेट बैटरी को यूज कर पाओगे। और ये सभी सेटिंग मैं आपको आगे वाले वीडियो पर बताऊंगा, लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिथियम बैटरी भी है, लीड एसिड बैटरी भी है। हाँ ये वाली बैटरी मैं नहीं बोल सकता हूँ लिथियम फास्फेट बैटरी, क्योंकि ये फिलहाल मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसे भी बता दिया। अब चलो अब कुछ यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ, क्योंकि इसे बताना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास देखो ये वाला चार्जर कंट्रोलर ना हो तो उसका इससे आगे के वेरिएंट होंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाते हो। देखो यहाँ पर जो मॉडल नंबर है, यानी कि जो मैंने लिया है 10 एम्पियर का, वो यहाँ पर देखो JSBO 10 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो हमारा करेंट है वो 10 एम्पियर का है, डिस्चार्जिंग करेंट भी हमारा 10 एम्पियर का ही है,
और देखो यहाँ पर जो 20 एम्पियर के है, 30 एम्पियर के है, वो सभी भी सेम ही काम करते हैं, लगभग सेम ही काम करेंगे, 10 एम्पियर तक का ही लोड दे सकते हैं। इसका एक टेम्परेचर डिग्री भी होता है जो आपको मेंटेनेंस करके रखना होगा, यानी कि जो -35 डिग्री से लेकर के +60 डिग्री तक का ये सोलर चार्जर कंट्रोलर जो है ये लोड ले सकता है, इससे ज्यादा होगा तो ये खराब भी हो सकता है। अब साथ ही यहाँ पर देखो सिस्टम वोल्टेज, यानी कि जो 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, 12 वोल्ट पर कितना होता है 14.4 वोल्ट फुल चार्जिंग होगा, और यहाँ पर देखो 10.7 आपको नॉर्मली जब बैटरी लो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा, और जो बैटरी नॉर्मली जैसे यूज भी आप साथ में कर रहे हो चार्जिंग भी साथ में होगा उस टाइम पर 12.6 वोल्ट होगा, यानी 12.6 वोल्टेज हमारा यहाँ पर बताएगा। 24 वोल्ट का यहाँ पर है वो आप लोग साथ में देख लेना, अभी फिलहाल तो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये है टेनरी लिथियम बैटरी, यानी कि ये बैटरी के हिसाब से देखा जाए, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पर देखो ये है लीड एसिड बैटरी का ये कंडीशन आपको बता रहा है 14.4 वोल्ट, और यहाँ पर टेनरी लिथियम बैटरी, यानी कि ये मेरे ख्याल से ये वाली बैटरी है लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी के लिए देखो आपको पता है कि 3S वाली बैटरी जो होती है वो होती है 12.6 वोल्टेज की, जो कि 9 वोल्टेज पर ये ड्रॉप आउट कर देगा, और 10.5 वोल्ट ये हमारा मैक्सिमम बताएगा जब हम इस पर लोड करेंगे, कनेक्ट करेंगे उस टाइम पर हमें यहाँ पर ये बताएगा। और ये है हमारा लिथियम फास्फेट बैटरी, और जिसकी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो 14.6 फुल वोल्ट चार्ज है, और यहाँ पर 11.8 इसका मैक्सिमम जाएगा, यानी कि बैटरी जब लो होगी तो 11.8 वोल्टेज पर जाकर ये स्टॉप कर देगा। थर्ड हमारा आ जाता है 12.5 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जब आप रेगुलर इसे यूज कर रहे हो, सोलर पैनल को साथ कनेक्ट करोगे, लोड साथ में दोगे, तो 12.5 के करीब में आते ही है कुछ इस तरीके से रोक देगा। तो ये इसके कुछ नोटिफिकेशंस थे, यानी कि इंफॉर्मेशन थे जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो आगे वाली वीडियोस पर भी काफी ज्यादा सारे हेल्प आपके होने वाले हैं, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आप चाहो तो लेफ्ट साइड पर आपको एक वीडियो शो होगा जो हमारा सोलर पैनल का अनबॉक्सिंग वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेफ्ट साइड पर क्लिक कर लेना, और राइट साइड पर आपको मैं इन्वर्टर का दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर अभी अगर आप देख लोगे तो आप उसे खरीद पाओगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट जैसे वीडियो बनाऊंगा बैटरी कनेक्शन के टाइम उस टाइम पर क्या करूंगा कि मैं इन्वर्टर को यूज करने वाला हूँ, और इन्वर्टर को यूज करते ही उसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा जिस पर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से लोड को चेक करके दिखाया जाएगा। तो चलो मिलते जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।